प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है वो संस्कृत में छंद चलेगा। देखो विद्यार्थियों, छंद किस मूल शब्द या धातु से बना उसके बारे में पहले आपको बताया जाएगा कि जो छंद है, छंद शब्द छद या चद, धातु मूल से बना है, मूल शब्द से बना है जिसका अर्थ है ढकना, खुश करना, आनंद देने वाला या आह्लादित करने वाला। ये शब्द मतलब इसका अर्थ यही है कि ढकना, खुश करना, आनंद देना या आह्लादित करना। प्रिय विद्यार्थी, आप समझ गए होंगे कि छंद जो शब्द है ये छद या चद धातु से बना है, जिसका अर्थ आपको आपके सामने है। छंद की जो परिभाषा है ये आपके सामने लिखी हुई है। निश्चित वर्णा मात्रान वा, निश्चित वर्णा मात्रान वा पादय मत्वा, निश्चित वर्ण या मात्राओं को पाद मानकर, पाद का मतलब चरण। एक एक छंद में, एक श्लोक में चार चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे मतलब क्या बताया कि इसमें कि निश्चित वर्ण या मात्राओं को पाद मान करके, चरण मान करके रचितवान रचे गई वाक्यम वाक्य वा या वाक्यम समूह है, वाक्य समूह को छंद कथ्यते, छंद कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, छंद की परिभाषा आपके सामने है जिसको आपको बताया गया कि निश्चित वर्ण या मात्राओं को पाद मान करके रचे गए वाक्य या वाक्य समूह को छंद कहते हैं। क्योंकि छंद जो श्लोक होते हैं इसमें निश्चित वर्ण होते हैं, क्योंकि छंदोबद्ध श्रेणी में ही वेदों की रचना हुई है, छंदोबद्ध श्रेणी में ही पद्यांशों की रचना हुई है, इसलिए इसमें निश्चित वर्ण होते हैं। निश्चित वर्ण होकर के जो रचे गए जो वाक्य होते हैं या वाक्य समूह होते हैं इनको कहते हैं छंद। अर्थ दे रखा है कि निश्चित वर्ण या मात्राओं को पाद मान करके, चरण मान करके रचे गए वाक्य या वाक्य समूह को छंद कहते हैं। प्रिय विद्यार्थी, समझ गए होंगे छंद किस मूल शब्द से बना, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है जो आपके सामने है, और उस परिभाषा का अनुवाद भी आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, उसको ध्यान से आप देख लें। पाद या चरण, जैसे हमने यह शब्द आया था पाद, पाद या चरण, पाद का दूसरा नाम चरण है, ये क्या होते हैं कि छंद या श्लोक का चतुर्थ भाग पादय या चरण कहलाता है। पाद या चरण, श्लोक का चौथा भाग क्या कहलाता है, पाद या चरण, चतुर्थांश भाग पादे इति कथ्यते, चौथे भाग को चरण कहते हैं, पाद कहते हैं। छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है अपने पास वर्णिक छंद। अब वर्णिक छंद किन को कहेंगे कि जिन छंदों के पाद या जिन छंदों के चरण वर्णों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी वर्ण गिन करके और लघु दीर्घ का जो अपने पास जो निशान वो लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, उस पर जो निर्भर करता है उसको कहते हैं वर्णिक छंद। तो इसमें बताया है कि जिन छंदों के पाद अर्थात चरण वर्णों की संख्या पर निर्भर करते हैं वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे अपने पास उदाहरण के लिए, जैसे वसंत तिलका है, अनुष्टुप छंद है, वंशस्थ छंद है, इत्यादि जो छंद हैं ये वर्णिक छंद हैं। वर्णों पर इनकी पहचान होती है और वर्णों पर ही इनको गिन करके इनको पहचाना जाता है कि ये वसंतिल का छंद है या अनुष्टुप छंद है या वंशस्थ छंद है। दूसरा जो छंद है, दूसरे प्रकार का जो छंद है वो है मात्रिक। दूसरा जो छंद है वो है मात्रिक। दूसरा है मात्रिक। प्रिय विद्यार्थियों, मात्रिक जो छंद है वो है जिन छंदों के पाद या चरण मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर
वो तो मतलब वर्णों के आधार पर थी, वर्णों की संख्या पर, ये मात्राओं के आधार पर निर्भर करता है, जिन छंदों के पाद या चरण मात्राओं के आधार पर निर्भर करता है। उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे आर्या छंद, आर्या जो छंद है ये मात्रिक छंद है, इनको मात्राओं के आधार पर ही इसकी पहचान होती है, जबकि वर्णिक छंदों में वर्णों के आधार पर। अब अपने पास जो आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो चलेगा वो है गण। गण है प्रिय विद्यार्थियों, जो गण है, ये गण पहचानने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोलते हैं ये माता राज भान सैलगा, जिसमें प्रत्येक वर्ण के आगे, जैसे यह है तो यह के आगे माता, तो यह में कोई मतलब मात्रा नहीं है, इसलिए लघु। मा में आ है तो दीर्घ, और ता में आ है तो दीर्घ, तो यहाँ पर होगा लघु दीर्घ दीर्घ। ये पहले आया तो यगण, अर्थात पहले वर्ण से ही उस गण का नाम पहचान लिया जाता है। वर्णों अथवा मात्राओं का समूह है, वर्णों अथवा मात्राओं का समूह है गण कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, गण किसको कहेंगे? वर्ण या मात्राओं का जो समूह होता है, वर्ण या मात्राओं का जो समूह होता है उसको कहते हैं गण। क्या कहते हैं? गण कहते हैं। अब मैं भी बता रहा था मैं कि संस्कृत में जो गण हैं, यगण मगण तगण जो गण हैं, उसका एक सूत्र था जो आपको अभी बताया कि अमाता राज भान सलगा, इसके आधार पर इनके गणों के नाम पहचाने जाते हैं। संस्कृत में एक गण में तीन अक्षर होते हैं, एक गण में कितने अक्षर होते हैं? तीन अक्षर होते हैं। गणों को चिन्ह से प्रयुक्त किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं, प्रिय विद्यार्थियों, गण का जो टॉपिक है, वर्णों अथवा मात्राओं का समूह गण कहलाता है। संस्कृत में एक गण में तीन अक्षर होते हैं, गणों को चिन्ह से प्रयुक्त किया जाता है, चिन्ह से मतलब उसको पहचान लिया जाता है कि भाई ये फलागण है, ये फलागण है। जो गण निम्न प्रकार से, मतलब जो चिन्ह है जो निम्न प्रकार से हैं, जिसमें लघु, का जो चिन्ह होता है वो होता है ऐसा ऐसा, जिसको ह्रस्व भी बोलते हैं, ह्रस्व ये भी बोलते हैं। दूसरा है दीर्घ, जो चिन्ह है वो ऐस जैसा होता है, ऐसा ऐस जैसा, जिसको गुरु के नाम से भी जानते हैं। गणों के जो चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं, गणों के जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो लघु, में होता है ये, और दीर्घ में होता है ऐस जैसा। अब लघु में क्या होता है? लघु में जो लघु स्वर हैं, जैसे अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, छोटी री है और लरी, इसमें क्या होता है कि लघु चिन्ह ही प्रयुक्त किए जाते हैं, और दीर्घ में क्या होता है? आ ई ऊ बड़ी री ए आई ओ औ, ये जो वर्ण हैं इनमें मतलब दीर्घ, और जो अनुस्वार वाला होता है वो, और वर्ण के आगे छोटा मतलब आधा अक्षर होता है उसके पहले वाला अक्षर भी दीर्घ मान लिया जाता है, विसर्ग वाला वर्ण भी दीर्घ मान लिया जाता है।
इस प्रकार से आप आगे और देखेंगे थोड़ा सा, संस्कृत साहित्य में गण आठ होते हैं। कितने होते हैं? आठ। संस्कृत साहित्य में गण आठ होते हैं, जिनको जानने के लिए, अभी मैं आपको बताया था, जिनको जानने के लिए, जानने के लिए संस्कृत साहित्य में गण कितने होते हैं? आठ। और आठ को जानने के लिए अपन क्या करते हैं? अधोलिखित। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए, अधोलिखित सूत्र को याद रखें। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखो कि संस्कृत साहित्य में गण होते हैं आठ, जिनको जानने के लिए अधोलिखित सूत्र को याद रखें। जो सूत्र हैं अपने पास, य मा ता रा जय भा ने से ले गा, ये सूत्र है। इसमें कितने वर्ण हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस, ये हैं अपने आठ गण। यह से होगा यगण। अब यगण का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? यह में अ है तो अ का मतलब लघु, लघु, और इसमें आ है तो दीर्घ, और इसमें आ है तो दीर्घ। यगण में हो गया लघु दीर्घ दीर्घ। मा तारा, मा से आगे गिनो दो अक्षर और, मगण का लघु दीर्घ दीर्घ दीर्घ, फिर तगण में दीर्घ दीर्घ लघु, फिर रगण में दीर्घ लघु दीर्घ, फिर जगण में लघु दीर्घ लघु, फिर भगण में दीर्घ लघु लघु, फिर नगण में लघु लघु लघु, और फिर सगण में लघु लघु और दीर्घ, और फिर आगे हैं लघु और गुरुवर्ण। ऐसे आठ गण माने गए हैं, जिन आठ गणों को आपके सामने प्रयुक्त किया है, आठ गण और लघु और गुरु, ये वर्ण होते हैं। इनको प्रयुक्त करने के लिए हम यमाता, ये मा ता रा जय भा ने से ले गा, यमाता राजभान सलगा में दस वर्ण हैं। कितने हैं? दस वर्ण हैं। इसमें कितने वर्ण हो गए? दस। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ और दस, में दस वर्ण हैं, जिसमें जिसमें यह वर्ण से यगण गण बना है, जिसमें यह लघु वर्ण तथा इससे आगे मा ये दीर्घ तथा ता ये भी दीर्घ वर्ण हैं, अतः यगण गण का गण चिन्ह, यगण गण का जो गण चिन्ह है, यगण गण का गण चिन्ह लघु दीर्घ दीर्घ बना है। इसी प्रकार
इसी प्रकार से आगे के वर्ण से गण व गण चिन्ह लिखे जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी, आप समझ गए होंगे कि आपके सामने जो गण याद करने का तथा चिन्ह याद करने का जो सूत्र है वो यमाता राजभान सलगा है, जिसमें य से यगण, माँ से मगण, ता से जिसमें तय है जिसमें तगण, रा में रह है जो रगण, जैसे जगण, भगण, नगण, सगण, और आगे हैं लघु और दीर्घ, यानी गुरु। दीर्घ का मतलब गुरु ही होता है, लघु का चिन्ह ये होता है और दीर्घ का मतलब ये होता है। तो ये अपने पास आठ गण हो गए और ये दो लघु और गुरु वर्ण हुए। इस प्रकार से दस वर्ण हुए। दस वर्णों में से ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण है, इससे यगण गण बना है, जिसमें यह लघु वर्ण तथा इससे आगे मा दीर्घ तथा ता दीर्घ वर्ण है। अतः यगण गण का गण चिन्ह लघु दीर्घ दीर्घ बना है। इसी प्रकार से आगे के वर्ण से गण व गण चिन्ह लिखे जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे इस बात को कि आगे के जो गण हैं वो इसी प्रकार से लिखे जा सकते हैं, और इनको आप लिख करके और गण चिन्हों को याद भी कर सकते हैं, गण भी याद कर सकते हैं। जैसे अपने पास मैं आपको एक बताऊं, जैसे माँ है, माँ ता रा, अब माँ से क्या बना, मगण बना, तो मगण में क्या हुआ, मगण में आ है तो इसको दीर्घ, इसको दीर्घ और इसको दीर्घ, इसलिए मगण का क्या बनेगा, दीर्घ दीर्घ दीर्घ। ऐसे ही तगण है, तगण में आ है और रा और जय, आगे दो और ले लो, दीर्घ दीर्घ और लघु। इसी प्रकार से आगे रगण है, रगण का दीर्घ लघु और दीर्घ। इसी प्रकार से जगण का है लघु दीर्घ लघु। इसी प्रकार से भगण का है दीर्घ लघु लघु। इसी प्रकार से नगण का है लघु लघु लघु। इसी प्रकार से सगण का है लघु लघु दीर्घ। इस प्रकार से गण और गण चिन्ह अपन मान सकते हैं, और इसके आधार पर आगे का टॉपिक आगे वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।